हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बालाजी एमआईएन स्टॉक के बारे में। और आज के दिन आप लोगों को बहुत सारे मिड कैप सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, और यहाँ पे केमिकल सेक्टर में भी काफ़ी सारे स्टॉक थे जिसमें आज के दिन आप लोगों को 5+% के रिटर्न देखने को मिले। यहाँ पे 7-8% की रैली काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को लौटती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में क्या टारगेट होंगे, यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबको डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं आज के दिन 7-8% की रैली बहुत दिनों बाद आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पिछले 1 या 6 महीने का डाटा देखें तो आप लोग देख सकते हैं 26% के रिटर्न आप लोगों को निगेटिव में देखने को मिलना है। अभी भी ये स्टॉक आप लोगों को बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोकरेज कॉल्स देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3900 के टारगेट बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने आपको सजेस्ट किए हैं, तो डेफिनेटली बहुत कम टाइम में ये स्टॉक इन लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी हम लोग ने देखा था कि लॉन्ग टर्म जो टारगेट है इस स्टॉक के, वो भी काफ़ी सारे आप लोगों को देखने को मिले थे, जिसमें 5600, 5800 के टारगेट ये आपको देखने को मिले थे। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार ये चीज़ बताई है। तो अगर आपका हॉरिजन थोड़ा सा लंबा है, 6-7 महीने, 1 साल से ज़्यादा बड़ा है, तो डेफिनेटली अभी भी आप लोग इस स्टॉक को पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमआई सेक्टर आप लोगों को आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है। और बेसिकली दो कंपनियाँ आप लोगों को इंडिया में एमआईएन बनाती हुई नज़र आती हैं, एलकेल एमआईएन, बालाजी एमआईएन, और ये एक ट्रस्टेड कंपनियाँ हैं, ऑलरेडी हमेशा से आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न डिलीवर करके दिखा रही हैं। पिछले 5 साल का डाटा देखिए, 800% के रिटर्न, अभी तक का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो 11,000-12,000% के रिटर्न। तो यहाँ पे कभी भी आप लोग ऐसा नहीं होगा कि निराश होंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैनिक आप लोगों को केमिकल सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। ये क्रूड ऑयल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेंटीमेंट जैसे जैसे नॉर्मल होती हुई नज़र आएंगी, वापस से केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को जिन भी स्टॉक बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का, उस स्टॉक को पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, चाहे वो बालाजी एमआईएन हो, चाहे वो एलकेल एमआईएन हो, चाहे वो आरती इंडस्ट्री हो, चाहे वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, कोई सा भी स्टॉक जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो, वो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पिक करके चल सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है बालाजी एमआईएन से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।